नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। डेटा स्ट्रक्चर के लेक्चर सीरीज में हम बात कर रहे थे ट्री के। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्री के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने जनरल ट्री और उसके जितने टर्मिनोलॉजी थे उसके बारे में डिस्कस किया था। वो वीडियो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर में जाकर देख सकते हैं या फिर यहाँ पे आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। आज का लेक्चर देखने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्रीवियस लेक्चर देख के जरूर आएँ, क्योंकि बहुत सारी टर्मिनोलॉजी ऐसी है जो आपको बार बार अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा आगे के सारे ट्री के लेक्चर में। तो प्रीवियस लेक्चर देख के आइए, आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ट्री के बारे में। और एक इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी कि जो हम डेटा स्ट्रक्चर का लेक्चर सीरीज ले रहे हैं, ये टोटल हैंड रिटन नोट्स इसका आपको वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप केवल वीडियो देखेंगे, यहाँ आपको अलग से हैंड रिटन नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सेम नोट्स जो हम यहाँ पे लेक्चर ले रहे हैं यही नोट्स टॉपिक वाइज आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए लिंक और वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्री की। जनरली आपके चार टाइप के ट्री होते हैं। पहला होता है बाइनरी ट्री, सेकेंड होता है आपका बाइनरी सर्च ट्री, एंड थर्ड होता है एबीएल ट्री, फोर्थ होता है बी ट्री। अगर आप जनरल बुक में या नेट पे देखेंगे तो आपको बहुत सारे नंबर्स ऑफ टाइप्स ऑफ ट्री देखेंगे, लेकिन बेसिक चार टाइप के ही ट्री होते हैं। इसके अलावा जो भी आपको ट्री दिखेंगे, जितने भी टाइप के ट्री दिखेंगे, वो कहीं ना कहीं इसी किसी एक में से जनरलाइज होते हैं या इसी किसी एक के टाइप के कैटेगरी में आते हैं। जैसे बाइनरी ट्री के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, वैसे बाइनरी सर्च ट्री में भी देखेंगे आप एवीएल ट्री, बी ट्री। तो ये चार आपके बेसिक ट्री हैं। इसके अलावा जितने भी ट्री आपके सिलेबस में होंगे या कहीं और भी आप देखेंगे नेट वगैरह, तो वो सारे कहीं ना कहीं इसी किसी एक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका बाइनरी ट्री। आज के लेक्चर में हम बाइनरी ट्री देखेंगे डिटेल में, और साथ में उसके साथ ही हम बाइनरी ट्री के कुछ टाइप्स हैं, ये सारे टाइप्स को हम विथ एग्जाम्पल और कंसेप्ट के साथ हम समझने की कोशिश करेंगे कौन कौन से बाइनरी ट्री होते हैं। तो डिफिनेशन देखें बाइनरी ट्री का क्या है। ए बाइनरी ट्री इज ए स्पेशल काइंड ऑफ ट्री इन विच एवरी नोड कैन हैव मैक्सिमम ऑफ टू चिल्ड्रेन। दैट मीन्स एनी नोड इन ए बाइनरी ट्री हैव आइदर जीरो चाइल्ड, वन चाइल्ड या टू चाइल्ड। ठीक है, तो यहां से आपको समझ में आएगा कि बाइनरी ट्री ऐसी होगी, कोई भी ट्री जिस ट्री को हम अगर बाइनरी ट्री कहेंगे, तो उस ट्री टू ट्री कैसा होगा, उस ट्री में जितने भी नोड होंगे उनके जो चिल्ड्रन होंगे आइदर जीरो होंगे, मींस या तो एक भी चिल्ड्रन नहीं होंगे, या वन चिल्ड्रन होंगे या टू चिल्ड्रन हो सकते हैं। टू से ज़्यादा चिल्ड्रन किसी भी नोड के पास नहीं होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज करो ए बी सी डी ई F, G, इस ट्री को अगर आप देखें तो इस ट्री में आपको समझ में आएगा कि जितने भी नोड हैं, नोड कौन कौन से, जैसे A, B, C, C, D, E, F, G, ये सारे क्या है, नोड है जो सर्किल में है, और ये सारे क्या है, इसको हम एज कहते हैं। तो जितने भी नोड हैं आपके, ये सारे नोड के अगर हम चाइल्ड देखें, मीन्स उसके कितने चाइल्ड हैं, तो जैसे ए के कितने चाइल्ड है, देखिए ए का चाइल्ड एक तो ए है और एक दूसरा ए है, बी का चाइल्ड एक चाइल्ड ए है, डी का चाइल्ड ए है, सी का चाइल्ड ई है और जी है। तो आप देखेंगे कि कुछ नोड ऐसे हैं जिनके दो चाइल्ड हैं, कुछ नोड ऐसे हैं जिसके सिंगल एक चाइल्ड हैं, या कुछ नोड ऐसे हैं जिसके एक भी चाइल्ड नहीं है। तो इसलिए इस टाइप ट्री को हम क्या कर सकते हैं, बाइनरी ट्री। जैसे फॉर देखिए ए के पास कितने, ए के कितने चिल्ड्रेन हैं, दो, बी के कितने हैं, एक, सी के कितने हैं, दो, डी के कितने चाइल्ड हैं, एक, ई के कितने चाइल्ड हैं, जीरो, एफ के कितने चाइल्ड हैं, जीरो, जी के कितने चाइल्ड है, जीरो। तो आप देखेंगे हर नोड का अगर हम चाइल्ड देखें तो आइदर या तो जीरो है, या तो वन है, या फिर टू है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो इस टाइप के ट्री को हम क्या कर सकते हैं, बाइनरी ट्री। अब बाइनरी ट्री के फर्दर हम डिटेल में चलें तो आपके आता है टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री। टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री में चार तरह के, पांच तरह के बाइनरी ट्री हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला आपका है स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री, जिसको हम फुल बाइनरी ट्री या प्रॉपर बाइनरी ट्री के नाम से भी जानते हैं, अलग अलग बुक में अलग अलग नाम से डिनोट किया हुआ है। कहीं आप फुल बाइनरी ट्री से नाम से देखेंगे इसी को, कहीं पे आप प्रॉपर बाइनरी ट्री देखेंगे, या फिर किसी बुक में आप स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री देखेंगे, तीनों का मीनिंग एक ही है। सेकेंड आता है कंप्लीट बाइनरी ट्री।
थर्ड परफेक्ट बाइनरी ट्री, फोर्थ बैलेंस बाइनरी ट्री एंड फिफ्थ एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। तो स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री का डिफिनेशन क्या कहता है इसको पहले हम देख लेते हैं, फिर इसको डायग्राम से भी समझ लेंगे, फिर इसका एप्लीकेशन भी देखेंगे कि हम कहाँ पे इसका यूज करते हैं। तो स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री क्या होगा? इन स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री एवरी नोड शुड हैव एग्जैक्टली टू चिल्ड्रेन और नन। अब यहाँ पे पीछे भी जो मैंने बाइनरी ट्री के बारे में डिस्कस किया, तो ये बाइनरी ट्री के ही टाइप्स है। मतलब बाइनरी ट्री का जो कंसेप्ट था कि एटमोस्ट टू चिल्ड्रेन हो सकते हैं, वहाँ पे कंसेप्ट था कि आइदर 0, 1 और 2, इसको हम कह सकते हैं एटमोस्ट टू चिल्ड्रेन। यहाँ पे उसी का टाइप है जहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे आइदर या तो टू चिल्ड्रेन होंगे या तो कोई चिल्ड्रेन नहीं होगा। ऐसे बाइनरी ट्री जिसमें केवल दो, हर नोड के पास या तो दो चिल्ड्रेन हो या कोई चिल्ड्रेन नहीं हो, वो बाइनरी ट्री आपकी किस कैटेगरी में आ जाएगी? स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। दूसरा एक डिफिनेशन और है इसका, देख सकते हैं ए बाइनरी ट्री, दैट मीन्स आप देखिए बाइनरी ट्री को ही स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री कहते हैं, लेकिन किसी कंडीशन के साथ। वहां पे कंडीशन ऐड हो जाएगा, कौन सा? ए बाइनरी ट्री इन विच एवरी नोड हैज आइदर 2 or 0 नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। जैसे अगर हम आपसे पूछें एग्जाम्पल तौर पर, अगर ये ट्री है तो क्या ये स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री कहा जा सकता है? अगर इसको हम नेम दे दें, चलो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, क्या ये स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री है? अब यहाँ पे देखेंगे तो इस ट्री में अगर आप देखें हर नोड के अगर चिल्ड्रन काउंट कीजिए, तो देखिए आपके पास जो वन नोड था, वन नेम का, इसका 2 चिल्ड्रेन है, 2 के भी 2 चिल्ड्रेन है, 3 के 1 चिल्ड्रेन है, 4 के 1 चिल्ड्रेन है, 4 के 0 चिल्ड्रेन है और 5 के 1 चिल्ड्रेन है और 6 के 0 चिल्ड्रेन है और 7 के भी कितने हैं 0 चिल्ड्रेन है। तो आप देखेंगे कि इसमें जो स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री का कंडीशन बोल रहा था कि एवरी नोड हैज आइदर 2 or 0 चिल्ड्रेन, अगर यहाँ पे देखें तो नोड नंबर 3 और नोड नंबर 5 के पास क्या है? सिंगल नोड है, द सिंगल चिल्ड्रेन है, दैट मीन्स इट इज नॉट ए स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री बट इट इज बाइनरी ट्री। इसको हम बाइनरी ट्री कह सकते हैं क्योंकि बाइनरी ट्री की कैटेगरी में 0, 1 या 2 कुछ भी हो सकता था। अब अगर इसी को हम थोड़ा सा चेंज कर दें, अगर हम सपोज कीजिए कि एक नोड यहाँ पे हम ऐड कर दें 8 और एक नोड यहाँ पे हम ऐड कर दें 9। अब देखिए, अब इस ट्री को देख के क्या कह सकते हैं, अब क्या ये स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री हुआ? क्योंकि हर नोड का अगर आप काउंट कीजिए, देखिए या तो उसके 0 चिल्ड्रेन होंगे या तो 2 चिल्ड्रेन होंगे, एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रेन की बात यहाँ पर कर रहा है। तो देखिए 1 के पास भी 2 चिल्ड्रेन है, 2 के पास भी 2 चिल्ड्रेन है, 5 के पास भी 2 चिल्ड्रेन है, 3 के पास भी 2 चिल्ड्रेन है और जो लीफ नोड है, इसको जो लास्ट में उसको लीफ नोड कहते हैं, 4, 7, 9, 8, 6, इन सबके कितने चिल्ड्रेन है? 0 चिल्ड्रेन। ठीक है, इसलिए इस टाइप के ट्री को हम क्या कह सकते हैं? स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। होप सब कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है? इसका एप्लीकेशन जब आप कोई अर्थमेटिक एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं, तो वहाँ पे जो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन सॉल्व होता है, वो सॉल्व करने में जो ट्री बनती है, जो भी बाइनरी ट्री बनेगा, वो स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री ही बनता है। कैसे बनता है वो भी देखिए। जैसे एग्जाम्पल तौर पर हम लें अर्थमेटिक एक्सप्रेशन ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी। अब देखिए, अगर इसको आप मैथमेटिकल रूल से सॉल्व करोगे, तो जाहिर सी बात है कहने का मतलब पहले कौन सॉल्व होगा? ए प्लस बी सॉल्व होगा, क्योंकि विद इन पैरेंथेसिस है। इसके बाद जो रिजल्ट होगा सी से मल्टीप्लाई होगा। तो इसका ट्री कैसे बनेगा? देखिए ए और बी, ये क्या हो रहे हैं? प्लस हो रहे हैं। ठीक है, ये क्या हो रहे हैं? प्लस हो रहे हैं। इसके बाद इस टोटल रिजल्ट को मल्टीप्लाई किससे करना है? सी से। अब देखिए यहाँ पे जो ट्री बना, क्या ये स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री है या नहीं है? आप देखिए हर नोड के पास आइदर 2 चिल्ड्रेन होंगे या 0 चिल्ड्रेन होंगे। जैसे मल्टीप्लाई के पास 2 चिल्ड्रेन है, प्लस के पास भी 2 चिल्ड्रेन है और सी बी ए इन सब के पास क्या है? 0 चिल्ड्रेन है। इसलिए क्या हो जाएगा? स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री कैटेगरी में आ जाएगा। एक एक्सप्रेशन और देखते हैं।
अब आप इसका अगर सपोज करो कि ट्री बना रहे हैं, तो इसको अगर ट्री फॉर्म में जब सॉल्व करेंगे आप इसको, तो इसके लिए जो ट्री बनेगा वो भी क्या होगा, स्ट्रिक्टली बाउंडेड ट्री। किसी भी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन जब हम सॉल्व करते हैं तो उस टाइम उसके सॉल्व करने के लिए जो ट्री बनेगा वो आपका स्ट्रिक्टली बाउंडेड ट्री होता है। मेरा बताने का सिंपली मतलब ये था। तो चलिए इसका ट्री बनाते हैं, देखिए कैसे होगा। अगर आप इसमें देखें तो सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, देखिए एक साइड तो यहाँ है और ये दूसरा ये है। मीन्स अगर हम देखें तो सबसे पहले आपका पैरेंथेसिस सॉल्व करेंगे हम, तो किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, देखिए एक तो पैरेंथेसिस यहाँ ए माइनस बी, तो हम एक तरह से ऐसे कर सकते हैं माइनस ए और बी, ठीक है। इसके बाद ये होल डिवाइड बाई इतना है, तो पहले हम इसका ट्री बना लेते हैं। इसमें क्या है, पहले आपका सी मल्टीप्लाई बाई डी होगा, तो हमने क्या ले लिया सी मल्टीप्लाई बाई डी, ठीक है। और इस टोटल को प्लस ई है, तो हमने कर दिया प्लस ई, ठीक है। अब देखिए इसका ट्री बन गया यहाँ पे, इस वाले पार्ट का ट्री बन गया यहाँ पे। इसको क्या करना, डिवाइड करना है, मतलब एक नोड और बनेगा डिवाइड का और इसके चिल्ड्रन इस तरह से हो जाएंगे, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे जो ट्री बना, क्या ये स्ट्रिक्टेड बाइंडेड ट्री है या नहीं। अब देखिए हर नोड के या तो दो चिल्ड्रेन होंगे या फिर जीरो चिल्ड्रेन। तो देखिए डिवाइड के भी दो चिल्ड्रेन हैं, माइनस के भी दो चिल्ड्रेन हैं, प्लस के भी दो चिल्ड्रेन हैं, मल्टीप्लाई के भी दो चिल्ड्रेन हैं। तो इस तरह से और जितने भी लीफ नोड है ए बी सी डी ई, इन सब के पास क्या है, जीरो चिल्ड्रेन। एक चीज़ और नोटिस किए होंगे आप कि जब भी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन सॉल्व करने के लिए बाइनरी ट्री बनाते हैं तो हमेशा जो ऑपरेटर होंगे, ऑपरेटर हमेशा इंटरनल नोड होते हैं। इंटरनल नोड मीन्स जो आपके बीच में यूज हो रहे हैं, और जो और जितने भी एक्सटर्नल नोड होंगे वो सारे आपके वेरिएबल्स होंगे, मतलब ए बी सी डी ई ये सारे क्या होंगे, हमेशा आपके वेरिएबल्स के ही यहाँ पे होंगे लीफ नोड में, जिसके पास कोई चिल्ड्रन नहीं होगा। तो इस तरह से हम स्ट्रिक्टली बाइंडेड ट्री को डिफाइन कर सकते हैं। तो आज हमने अभी का देख लिया, बाइंडेड ट्री का इंट्रोडक्शन देख लिया और स्ट्रिक्टली बाइंडेड ट्री को भी हमने समझ लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे रिमेनिंग कंप्लीट बाइंडेड ट्री, परफेक्ट बाइंडेड ट्री, बैलेंस और एक्सटेंडेड बाइंडेड ट्री को। तो आप नेक्स्ट लेक्चर में जाइए और इस टोटल लेक्चर का यूनिट 1 से यूनिट 5 तक का सारे आपके नोट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।